हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम कैबलिस टेबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि 0.5 mg में अवेलेबल्स है। कैबलिस टेबलेट में जो मेन कंपोनेंट है वो है कैबरगोलिन, ओके, जो कि आईपी के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो वन स्ट्रिप में 2 टेबलेट्स अवेलेबल है। तो चलिए उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आज हम उसके बारे में क्या क्या सीखेंगे। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ कैबलिस टेबलेट, बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, देन डोज, प्राइस, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ये जो सारे चैप्टर्स हैं, आज हम कैबलिस 0.5 टेबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये जो टैबलेट है कैबलिस इज अ क्लास ऑफ मेडिसिन ऑफ डोपामाइन एंटागोनिस्ट। वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? डोपामाइन एंटागोनिस्ट से। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर हमारी बॉडी में हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, यानी कि मिल्क का सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, अगर वो हमें स्टॉप करना है तो हम ये टेबलेट ले सकते हैं। देन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टॉपिंग ब्रेस्ट मिल्क। अगर ब्रेस्ट मिल्क को स्टॉप करना है तो उसके दरमियान ये टेबलेट ली जाती है। ये जो टेबलेट है उसका सॉल्ट कंपोजिशन क्या है? कैबरगोलिन 0.5 mg। कैबलिस इज अ ब्रांड नेम दैट मैन्युफैक्चर्ड बाय साइनोकेम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड मार्केटेड बाय मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल। ये जो टेबलेट है कैबलिस, उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? साइनोकेम फार्मास्यूटिकल। एंड मार्केट कौन करता है? मार्केटेड बाय मैकलियोड्स। देन उसका यूज क्या है? ये जो टेबलेट है वो कब यूज होती है? प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। प्रोलैक्टिन का रोल क्या है कि वह हमारी बॉडी में जो हमारा जो ब्रेस्ट है उसको ग्रोथ करता है, उसको मिल्क जो सेक्रेशन हो रहा है उसको भी इंक्रीज करेगा। अगर कैबलिस टेबलेट अगर वो इंक्रीज हो रहा है और हमें स्टॉप करना है, तो ये जो कैबलिस टेबलेट है वो क्या करेगी? वो उसका जो सेक्रेशन हो रहा है वो उसे स्टॉप करेगी। देन कब ले सकते हैं? कि स्टॉप ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन इन फीमेल्स हु हैव हैड अ स्टिल बर्थ। यानी कि बेबी जब भी जन्म लेता है तब तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है, मिसकैरेज के दरमियान, अबोर्शन के दरमियान। जब भी फीमेल्स की मेमोरी ग्लैंड्स है उसमें से मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है तो उसे स्टॉप करने के लिए ये जो टेबलेट है वो ली जाती है। यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट है, हेल्प्स टू स्टॉप ब्रीथ मिल्क सेक्रेशन। ओके, मिल्क सेक्रेशन को स्टॉप करने के लिए ये जो टेबलेट है वो ली जाती है। देन दिस मेडिसिन इज ऑल्सो यूज इन इनफर्टिलिटी। फीमेल्स में जब जो ओवम्स के एग्स है उसकी इनफर्टिलिटी हो रही है, तब हाइपर प्रोलैक्टेमिया के दौरान हमें ये टेबलेट लेनी चाहिए। अब लेबल स्टडी पे आते हैं। तो यहाँ पे है कैबलिस 0.5 mg लिखा हुआ है। ईच अनकोटेड टेबलेट, ये कोटिंग नहीं, कोटेड टेबलेट नहीं, अनकोटेड टेबलेट है। कैबरगोलिन आईपी है। देन यहाँ पे है कि वन स्ट्रिप में कितनी टेबलेट है? 2 टेबलेट। यहाँ पे हम देखें गौर से, 1 और 2, वन स्ट्रिप में 2 टेबलेट्स अवेलेबल है। ना उसका वर्किंग क्या है? कैबलिस टेबलेट जो है वो वर्क कैसे करती है? दिस मेडिसिन इज वर्क बाय रिड्यूसिंग लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन ह्यूमंस। जो हमारी बॉडी है, फीमेल्स की बॉडी है, उसमें प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो उसे रिड्यूस करती है। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क रिलीज हो रहा है मेमरी ग्लैंड्स में से वो उसे स्टॉप करेगी। देन डोज पे आते हैं कि डोज कितना है। टेक दिस मेडिसिन डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एडवाइस योर डॉक्टर। डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर ने जो भी डोज प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। यानी कि डोज कितना है? 1 टेबलेट पर वीक। पर वीक के दौरान हम 1 वीक में 1 टेबलेट ले सकते हैं। स्वेलो इट अ होल, उसे डायरेक्ट ही स्वेलो करना है, डायरेक्ट ही निगल जाना है, क्रश नहीं करना है, चबाना नहीं है और तोड़ना भी नहीं है। कैबलिस इज ये जो टैबलेट है कैबलिस, वो हमें विथ फूड के साथ लेनी है, विदाउट फूड के साथ नहीं लेनी है। उसकी प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ कैबलिस टैबलेट इज 223 एस जुलाई 2023 ऑफ 2 टैबलेट ऑफ स्ट्रिप्स। ये जो 1 स्ट्रिप है उसमें 2 टैबलेट्स आती है, उसकी जुलाई 2020 अपडेटेड प्राइस है 223।
देन साइड इफेक्ट्स, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो रही है, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशंस, पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, देन नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, टायर्डनेस, ब्रेस्ट पेन्स, स्लीपलेसनेस एंड ब्लर्ड विजन, ये जो सारी साइड इफेक्ट्स है वो कैबलेट्स टेबलेट लेने से आ रहे हैं। ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो मिल्क डक्ट है यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है, मेमोरी ग्लैंड्स में से मिलकर सिक्रेशन हो रहा है, तो जब वो स्टॉप होता है तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो उसका ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए इसके अकॉर्डिंग ब्रेस्ट पेन होता है। देन वार्निंग, वार्निंग क्या है, कौन सी वार्निंग्स है जो हमें कैबलेट्स टेबलेट लेने के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। कैबलेट्स 0.5 mg टेबलेट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन के लिए नॉट रिकमेंडेड है, प्रेग्नेंट वुमन को ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में जब हम ये टेबलेट लेते हैं तो क्या होगा कि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान 1 से लेकर 9 मंथ तक प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। अब अगर हम ये टेबलेट ले रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी के फेज में प्रोलैक्टिन का लेवल स्टॉप कर देगा, उसको उसका जो ग्रोथ हो रहा है मेमरी ग्लैंड्स का उसे वो स्टॉप कर देगा, तो इससे मिल्क का सिक्रेशन नहीं होगा। देन जो प्रेगनेंट जो फीमेल्स है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो भी ये टेबलेट नहीं ले सकती। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसके उस तब भी हमें ये टेबलेट नहीं लेने चाहिए, बिकॉज हमें ड्राउसीनेस यानी कि चक्कर आना फील्स होते हैं, स्लीप से आ सकती है, स्लीप अकॉर्डिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो ये जो टेबलेट है उसे हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है उसकी, कि जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि प्रेगनेंसी में ये जो टेबलेट है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये FDA के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है जो कि हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए ये टेबलेट को। नाउ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है कैबलिस टेबलेट की, कि कौन सी ड्रग्स है जिसके साथ हमें ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। डोमपेरिडोन, मेटोक्लोपामाइड, ब्रोमोक्रिप्टिन, अर्गोटेमाइड एंड हैलोपेरिडोल, ये जो सारी ड्रग्स है उसके साथ हमें कैबलिस टेबलेट को यानी कि कैबरगोलिन जो 0.5 mg में अवेलेबल है उसे वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमने उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी देख ली कि प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग में उसे अवॉइड करना चाहिए, यानी देन अगर हमें जो मिल्क सिक्रेशन हो रहा है उसे स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए ये जो टेबलेट है वो यूज़ होती है। ओके, हमने ये जो सारी डिटेल्स है वो हमने देख ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस टाइप के ड्रग रिलेटेड नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।